हेलो गाइस सो वेलकम बैक टू द चैनल और आज जो हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू योर स्ट्रेस्ड एसिड्स राइट तो हम लोगों की लेटेस्ट में आपकी कमेटी का गठन हुआ है दैट इज़ योर डब्ल्यू के कमल कमेटी सो गाइस हम लोगों का ये बेसिकली जो कमेटी बैठी है दैट इज़ फॉर योर कोविड नाइन्टीन रिलेटेड जो हमारे स्ट्रेस हैं क्योंकि uh, देखिए कि एक लोन जो है आपका कभी भी एक बैड लोन नहीं होता लोन बिकम्स बैड व्हेन यू आर नॉट एबल टू री बैक इट राइट रीपे इट सो स्ट्रेस ऑफ एथ्सट्स क्या होते हैं दे आर द बैड लोन्स जो कि हमारी इकोनमी के लिए uh, या फिर किसी भी रीज़न करके हम लोग उसको पे बैक नहीं कर पा रहे हैं इट कैन बी हम मल्टीपल टाइप्स कि कितने टाइम से आपका जो है वो एसेट जो है रीपे नहीं किया जा रहा वो लोन जो है आपका रीपे नहीं हो पाया राइट दैट कैन बी योर मीडियम वन दैट कैन बी योर एनी थिंग सो गैस हम लोगों का ये जो स्ट्रेस एसट्स हैं जैसे आप देख सकते हो कि एन पी ए राइट देन इज योर री स्ट्रक्चर्ड लोन्स देन इज योर राइट ऑफ एसिट्स सो so, ये जब तीनों इकट्ठे मिलते हैं उसको स्ट्रेसेस बोला जाता है एन क्या होता है गए सो दिस इज़ योर एन तो ये हम लोगों का जो एन है ये जब हमारा कोई इंटरेस्ट है आपका या कोई प्रिंसिपल है राइट इंटरेस्ट दैट मींस कि आपने कोई भी लोन लिया उसके ऊपर जो आप ब्याज दे रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने लोन लिया था उन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आप रिपे नहीं कर पाते री बैग ठीक है योर बॉरवर जब वो नहीं दिया जाता ओवर योर नाइन्टी डेज सो नाइन्टी डेज तक आप उसको नहीं दे पाते दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली योर थ्री मंथ्स सो उसको हम लोग जो है आपका एन बोलते हैं जब तीन महीने तक आपकी लगातार एक किश्त जो है आपका जो ई है वो बाउंस बैक हो रही है तो आप एक बैंक के लिए एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो राइट right? एक एसेट जो वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ आपको एक अच्छा मिल रहा है आपको कोई आउटपुट मिल रही है बैंक भी पैसे कमाते हैं उनका भी खर्चा होता है वो अपने पैसे कम कैसे कमाते हैं दैट इज़ जब लोन वो देते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है तो दिस इज़ हाउ दे अर्न ठीक है तो वो आप उनके लिए एक एसेट हो अगर आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे अगर आप नहीं रेपे कर रहे तो उसको हम एन बोलते हैं सो so गायज़ हम लोगों का दूसरा जो चीज़ है दैट इज़ योर री स्ट्रक्चरड लोन्स सो री स्ट्रक्चर्ड लोन्स क्या होते हैं हम लोगों के कि ऐसे एसेट्स ठीक है री स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं कोई एक बंदा है कोई ऑनेस्ट है वो अपना जो है देना चाहता है लोन बट नहीं दे पा रहा है किसी वजह से दैट कैन बी योर एम एस एम ई जो है या फिर कोविड के कारण कुछ भी आपका हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर आ, दैट इज योर री स्ट्रक्चर लोन यहाँ पे रीपेमेंट देखिए एक्सटेंडेड आपके हम लोग जो एक टाइम है आपका जो रीपेमेंट का उसको बढ़ा देते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं या आ, कोई भी आपका एक प, आ, जो लोन का पार्ट है उसको हम इक्विटी के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं दैट मीन्स आपको शेयर जो है वो मिल जाएगा आपको ठीक है ऑनरशिप दे रहे हो आपको उस पे पे करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर ठीक है और या फिर आप उसको एडिशनल लोन प्रोवाइड कर सकते हो ताकि आ, कल दिन को जो आपके आ, कल दिन को आपका वो बिज़नेस चल पड़े दोबारा से और जब सिचुएशन ठीक हो तो वो दोबारा से वो अपना रीपे कर सकें तो ऐसे लोन्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर रीस्ट्रक्चरिंग करना उस लोन्स की सो गैस यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लिखा है कि जब बैड लोन्स दे आर कन्वर्टेड इन टू योर न्यू लोन्स सो दैट इज़ योर री लोन्स कंडीशन चेंज हो जाती है ताकि रिड्यूस कर सक के हम लोग बर्डन को व्हाट इज रिटर्न ऑफ एसेट्स सो गैस ये हम लोगों का क्या होता है कि इट इज लाइक अ क्लीनिंग योर बैलेंस शीट एक बैंक और जो लेंडर है आपका वो क्या करता है डजंट काउंट जो बेसिकली uh, हम लोगों का बैंक है वो क्या करता है कि उसका जो प्रॉफिट है ठीक है जैसे पाँच सौ करोड़ था बट उसका जो एन पी ए है वो आपका पचास करोड़ का आ गया तो दैट मीन्स जो टोटल प्रॉफिट है वो दिखाएगा कि फोर फिफ्टी करोड़ रुपीज़ आपके आ गए ठीक है उसको जो प्रॉफिट है फाइव हंड्रेड में से आना था बट पचास uh, करोड़ जो है उसका एन हो गया तो अब उसने क्या किया ओवरऑल दिखाया या फिर कोई पिछला उनका कोई लोन था वो क्लियर हो गया तब उन्होंने उसको जो है बेसिकली उसको रिमूव कर दिया और थोड़े क्लीन करने की कोशिश की आपकी uh, जो बैलेंस शीट है इन तीनों को जब हम मिलाते हैं गाइज तो हम इसको बोलते हैं दैट इज़ योर स्ट्रेस एसेट्स सो दिस इज़ अ शॉर्ट टॉपिक फॉर योर इकोनॉमिक्स गाइज सो वी हैव लॉन्च योर लर्न बैम एप्स फॉर योर इकोनॉम मिक्स थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव टू द लर्न माई मैप्स सो हम लोग जल्द ही नई वीडियो लेके आएंगे थैंक यू सो मच गाइज गॉड ब्लेस यू